नमस्कार दोस्तों, वैसे कैसे हो आप? तो भाई स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं अपने पल्सर 150 को कन्वर्ट 220 में। तो दोस्तों आज के जो पार्ट में हम सबसे पहले अपने जो रियर सेटअप है उसको कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रही अपनी बाइक पल्सर 150 और 220। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बाइक की मॉडिफिकेशन रियर डिस्क ब्रेक सेटअप से, जिसमें हम अपने पल्सर 150 में तो हम यहाँ से पीछे का जो सेटअप है वो कम्प्लीटली चेंज करने वाले हैं। जिसमें दोस्तों सबसे पहले आता अपना फुटरेस्ट, और दोस्तों ये रहा अपना स्विंग आर्म, और देन भाई उसके बाद हम अपने जो शॉकर्स है वो भी इंस्टॉल करेंगे पल्सर 150 में। देन अपना जो कंप्लीट सेटअप रियर डिस्क सेटअप का वो भाई हम चेंज करने वाले हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई हमें अपना जो रियर सेटअप है कम्प्लीटली निकालने के लिए क्या क्या चीज़ खोलनी होगी। तो भाई सबसे पहले रहता है अपना स्विंग आर्म वाला एक्सल। तो भाई ये वाला नट है 22 नंबर का, इसे खोल लूंगा सबसे पहले। देन भाई उसके बाद ये वाला नट भी खोल लूंगा ताकि अपना जो फुट रेस्ट है भाई वो निकल जाए। और उसके बाद रहता है भाई अपना ये साइलेंसर वाला नट, तो भाई ये भी हमने खोलना है। और उसके बाद जाकर भाई हमें जो अपना शॉकर्स के नट है यहाँ से प्रॉपरली खोल देने हैं, क्योंकि भाई हमने शॉकर भी साथ ही साथ चेंज करने हैं। देन भाई जो अपना स्विंग आर्म है फिलहाल फ्री हो जाएगा। देन भाई रहता है लेफ्ट साइड वाली बात, तो यहाँ पर भाई ये एक्सल है फिलहाल, ये तो निकल जाएगा। देन भाई उसके बाद एक नट वहाँ पर है, और अपनी जो गियर है भाई यहाँ से भी हमने डिस्कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद जाकर भाई हमने चेन जो अपनी वो निकालनी है, क्योंकि अपनी जो चेन है वो हमें भाई ज़रूर निकालनी पड़ेगी। देन जो अपना रियर सेटअप है वो भाई निकल जाएगा इजीली। और भाई अब बात करते हैं 150 की। तो भाई लोगों इसका भी सबसे पहले भाई हमने अपना एक्सल का नट है भाई वो खोल देना है। देन उसके बाद शॉकर के नट, और उसके बाद जाकर भाई अपना साइलेंसर का नट, और अपना जो सेम नट है भाई यहाँ पर भी दिया गया है नीचे। देन भाई बात करते हैं लेफ्ट साइड। सो दोस्तों लेफ्ट साइड फिलहाल हमने सेम वही चीज़ यहाँ से एक्सल निकालना है, और एक नट भाई यहाँ पर है, और उसके बाद अपना शॉकर का नट हो गया, और इसकी भाई हमने चेन सबसे पहले निकालनी है। और उसके बाद भाई इसमें थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा जो है वो है भाई इस फुटरेस्ट को निकालने का। तो भाई ये जो फुटरेस्ट के दो नट अगर आपको दिख रहे होंगे, तो भाई ये भी हमने प्रॉपर निकालने हैं, और अपनी गियर भी निकालनी है। और भाई इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी फिलहाल, और 220 में फिलहाल हम ये चीज़ नहीं लगा सकते। यहाँ पर जो अपने को भाई एक्स्ट्रा नट्स नहीं दिए गए, जो कि अपने 150 में दिए गए। और भाई ये वाला भी राइट साइड वाला ये फुटरेस्ट भी हमने निकालना है। तो बस फिलहाल यही कुछ काम है इसके भी। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपना काम स्टार्ट। सबसे पहले बारी है अपने भाई 220 की। फिलहाल दोस्तों हमने बाकी सब चीज़ें निकाल दिए। अब बारी रहती है भाई यहाँ पर ऑयल स्टैनर की। तो भाई से हमें यहाँ से निकालना है, देन भाई इधर रुके बाहर निकाल देंगे बाकी भाई। इसके बाद हम अपना जो है सिंगार निकाल देंगे। तो भाई सबसे पहले से निकालते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अपना जो ऑल ओवर सेटअप निकल चुका है, बस भाई शॉकर्स निकालने रहते हैं ऊपर से। ये एक साइड होगी, तो दोस्तों फिलहाल ये है अपना 220 वाला सेटअप, और ये है भाई अपना 150 वाला ड्रम ब्रेक वाला सेटअप। एंड भाई अब हमने इसे सेम निकालना है ऐसे ही। फिलहाल भाई ये रही अपनी 220 भाई बिल्कुल खाली हो चुकी है पीछे से। एंड भाई अब बारी है अपने 150 की। तो भाई सेम ऐसे इसके पार्ट्स खोलते हैं सबसे पहले, देन आपको दिखाते हैं भाई इसके बाद। सो दोस्तों अब बारी है 150 की। तो भाई अब इसकी सभी चीज़ें हम खोल देंगे, देन भाई उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल भी अपने सभी चीज़ें निकल चुकी है, देन भाई अब निकालते हैं अपने शॉक का दैन, और जो अपना सिंगार में भाई वो निकल जाएगा। तो चलो तो दोस्तों ये निकल गया अपना पूरा सिस्टम। सो दोस्तों ये रहा हमारा कंप्लीट सेटअप भाई जो हम चेंज करने वाले। तो भाई ये वाला है 150 वाला, और ये है 220 वाला। तो चलिए दोस्तों आप कते से फिट।
फाइनली दोस्तों अपना जो रियर डिस्क का सेटअप है भाई वो हो चुका है कंप्लीट। देन भाई अब रहता है ब्रेक ऑयल चेंज करना, तो लगता है भाई इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो अब भाई हम न्यू ब्रेक ऑयल इसमें डालेंगे। उससे पहले भाई मैं आपको चेक करा देता हूँ अपनी जो डिस्क है प्रॉपर वर्किंग है या नहीं। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपने बाइक को स्टार्ट। सबसे पहले फाइनली ये रही अपनी ब्रेक सेटअप। तो भाई अब आ रही है ब्रेक ऑयल की, तो ब्रेक ऑयल चेंज करते हैं, भाई उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं इसका सेटअप। तो भाई से हम रखेंगे यहाँ सीट के नीचे, सबसे पहले हम अपना टापा खोलते हैं, देन भाई उसको फिक्स करते हैं ऊपर, उसके बाद करेंगे भाई हम ब्रेक ऑयल चेंज। फाइनली दोस्तों अपना जो ब्रेक ऑयल है वो भी चेंज हो चुका है और भाई ब्रेक भी हमने प्रॉपरली सेट कर दिया है। देन चलते हैं दोस्तों बाहर और करते हैं अपनी रियर डिस्क की टेस्टिंग। तो चलो तो दोस्तों अब टाइम आ चुका है भाई टेस्टिंग का। फिलहाल टाइम हो चुका है 4:45 अपनी लाल परी भाई यहाँ पर है और भाई ये है हमारी 150 और भाई ये हमारी डिस्क। भाई वो अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो भाई इसका जो पोस्चर है भाई बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब भाई अपनी जो लेग्स है बिल्कुल पीछे के लिए हो गई है, कंफर्ट जोन से भाई हम बाहर आ चुके हैं अब। एंड भाई थोड़ा अटपटा सा ज़रूर लग रहा है, तो चलते भाई अपने फेवरेट प्लेस पे। फिलहाल एक बार आपको ब्रेक का ये दिखा देते हैं, चलाने में भाई सही है। फिलहाल भाई अभी मैंने एक ट्रिप मारी है, अब मैं भाई अपना जो GoPro है साइड में लगा देता हूँ, देन उसके बाद आपको दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए भाई यही है अपनी रियर डिस्क, देन भाई प्रॉपर वर्किंग है, फ्रैक्चर वगैरह भाई सब कुछ अच्छे से बना दिया है। काफ़ी टाइम से भाई चल रही है, इसलिए थोड़ी बहुत ब्रेक लूज है अभी, ये भाई चलते चलते खुद ही आ जाएगी। फिलहाल जो अपना पिछला डिस्क साइज़ है ये भाई बिल्कुल अपने अगले डिस्क साइज़ से मैच हो रहा है, क्योंकि भाई सेम साइज़ के 150 mm के आसपास ही दोनों। चलो भाई एक बार GoPro लगाता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ। तो भाई वो GoPro लगाते हैं यहाँ दोस्तों। फिलहाल यही कुछ थी इसकी ब्रेकिंग और फिलहाल अभी थोड़ी बहुत सेट हो जाएगी कुछ टाइम चलते चलते। देन भाई बात करते हैं क्या क्या दिक्कतें आती है जब हम 220 की डिस्क भाई 150 में डालते हैं, वो भी भाई पुराने मॉडल में। तो दोस्तों 2000 के बाद शायद 180 में रेड आने लग गई थी, उससे पहले भाई नहीं आती थी, अब ये चीज़ नॉर्मल है। बट भाई जिस टाइम मैंने किया था आज से लगभग 5-6 साल पहले भाई मैंने रेड डिस्क वाला सेटअप किया था अपने बाइक पर, तो अब बताते भाई दिक्कत क्या क्या आती है। सबसे पहले भाई दिक्कत आएगी आपको यहाँ पर एक बुशिंग की, तो हुआ भाई नॉर्मल 150 वाले बुश लगा सकते हो, क्योंकि भाई 220 में उतने बुश नहीं लगते, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बुशेज है दो आपको 150 वाले ही लगाने हैं। और उसके बाद बात करें अगला पॉइंट जो है, तो भाई वो है अपना ये वाली कवर, जो कि दोस्तों चैन कवर, तो भाई ये वाली यहाँ पर अटक जाती है, तो इसे या तो भाई यहाँ से कट करना चाहिए। देन भाई उसके बाद अगली जो प्रॉब्लम है वो आएगी भाई आपकी किक में, तो भाई अगर मैं आपको बताऊँ तो किक भाई आपकी अब हाफ ही लगेगी,
क्योंकि ये भाई यहाँ पर अटक जाएगी। इसलिए जो भाई अल्ट्रेशन है मैंने लास्ट टाइम किया था शायद TVS Apache की लगाई थी देन दोस्तों उसकी वजह से जो अपनी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो चुकी थी, तो इसमें भी वही प्लान करेंगे कुछ टाइम बाद क्योंकि आजकल सर्दी है। फिलहाल के लिए भाई यही कुछ है और हमने 220 के शॉकर डाले इसमें तो भाई काफ़ी अच्छा फील आ रहा है और टायर भी अच्छा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही था आज की वीडियो में। और दोस्तों एक बात और, अपना जो भाई 150 वाला साइलेंसर वो भाई इसमें नहीं फिट होगा क्योंकि भाई देख सकते हो आप यहाँ देखो भाई इसकी फिटिंग वाला ये कहाँ पर पॉइंट है देन भाई यहाँ पर है अपना 220 का। तो हम कल भाई इसमें अपना 220 वाला साइलेंसर लगा देंगे। तो कल की वीडियो में भाई वही रहता है, कल वैसे भी अपना पेपर है तो कल का जो काम है वो छोटा ही रहने वाला है। फिलहाल के लिए भाई ये कुछ था आज की वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद जय भारत।